कोरोना के से जंग में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ सरकार, ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि अन्य प्रांतों की तुलना में छत्तीसगढ़ में कोरोना के प्रकरण कम आए, पर छत्तीसगढ़ में अब जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनसे कोरोना की संख्या बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। अभी जांजगीर ज़िले में 5 केस मिले, बालोद में केस मिले, कोरिया में केस मिले, तो छत्तीसगढ़ को अब ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। और जहाँ तक इस महामारी में छत्तीसगढ़ सरकार की भूमिका है की बात है, ये राजनीति का समय नहीं है, पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कहीं ना कहीं इस महामारी से निपटने के लिए जो खर्च की व्यवस्था मजदूरों के लिए करनी चाहिए थे उसमें कोताही बरती है। आज छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके को मिल रहा है वो सब केंद्र सरकार के माध्यम से मिला है। पूरे देश में लगभग 56,000 करोड़ का पैकेज अनुदान के रूप में जारी हुआ है, उसमें सबसे बड़ा है 2-3 महीने तक लगातार जनधन खाते में 500-500 रुपये देना, उज्ज्वला के अंतर्गत जिनको गैस कनेक्शन मिला है उनको 3 महीने तक निःशुल्क गैस की व्यवस्था करना, प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल और 1 किलो दाल पूरे देश के आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके को प्रदान करना, और जो COVID-19 के अंतर्गत जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें केंद्र की सरकार ने जो सबसे बड़ी छूट प्रदेश सरकारों को दी है वो ये दी है कि आपदा राहत कोष जो प्रदेश का होता है जिसमें लगभग 90% आवंटन केंद्र सरकार के माध्यम से आता है, उस आपदा राहत कोष की राशि को COVID-19 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार को खर्च करने की अनुमति दी है, माने पूरे देश में सभी प्रांतीय सरकारों को अनुमति दी है, और वो राशि छत्तीसगढ़ में भी 200-250 करोड़ के आसपास है। 14वां वित्त आयोग की जो राशि जारी होती है वो 14वां वित्त आयोग की पूरी राशि केंद्र जारी करता है, उस राशि को भी COVID-19 में उपयोग के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। और कोरोना के जितने ट्रीटमेंट हो रहे हैं या जितने भी ब्लड सैंपल टेस्ट हो रहे हैं उसकी पूरी भी व्यवस्था केंद्र सरकार के माध्यम से हुई है। केंद्र सरकार की आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, पर छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों ने, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने और पुलिस विभाग के लोगों ने सबने मिलकर एक टीम वर्क से काम किया है जिसके चलते छत्तीसगढ़ में कोरोना फैलने से बचा है। न्याय योजना, आपके विचार? किसान न्याय योजना के नाम पर छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों को धोखा देने का काम कर रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 1 मुश्त 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदने की घोषणा कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी, विधानसभा में भी ये मामला हम लोगों ने उठाया था और एक मंत्रिमंडलीय समिति बना करके इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने टाल दिया था, और बाद में ये घोषणा की थी कि अप्रैल के माह में हम जो किसानों को अंतर की राशि है वो 1 मुश्त प्रदान करेंगे। पर अभी जो समाचार पत्रों में छप रहा है वो अंतर की राशि को 4 किस्तों में भुगतान करेंगे, तो कुल मिला के 1/4 राशि हमको मिलनी है 21 मई से जो इनकी न्याय योजना शुरू हो रही है उसमें। ये सरासर किसानों को धोखा देने वाली बात है, ये राशि 1 मुश्त किसानों के खाते में आनी चाहिए थी। और वहीं डॉक्टर रमन सिंह की सरकार जो 2 वर्ष का बोनस नहीं दे पाई थी 300 रुपये क्विंटल का,
राहुल गांधी जी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनने के बाद इस बोनस की राशि को हम किस्तों में देंगे। सरकार को बने 17 महीने पूरे हो गए, हम ये कह सकते हैं कि लगभग एक तिहाई कार्यकाल पूर्णता की ओर है, उसमें की भी एक भी किस्त किसानों को नहीं मिली है। किसानों को धोखा देने का काम, ठगने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। केंद्र सरकार से देखिए, केंद्र सरकार ने COVID-19 के अंतर्गत पूरे देश को इस वैश्विक महामारी से बचाने के लिए काम किया। आज लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त होगा, चौथे चरण की आज घोषणा होनी है, उसमें किनको क्या क्या छूट मिलेगी वो थोड़ी देर में पता चल जाएगी। पर केंद्र सरकार ने इस COVID-19 के अंतर्गत जहां एक तरफ आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके को 56,000 करोड़ का पैकेज दे करके राहत पहुंचाने का काम किया है, वहीं एक 20,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज दे करके आर्थिक दृष्टि से जो मंदी का दौर चला है उससे उबारने की घोषणा की है। उसमें किसानों के लिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए, रेहड़ी बेचने वाले, पटरी में दुकान वालों के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए, कर्मचारियों के लिए, सबके लिए बड़ी व्यवस्था की गई है। और ये 20 लाख पैकेज का असर भविष्य में पूरे देश को आर्थिक मंदी से उबारने में मददगार होगा। क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव देखिए, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र में एक भी कोरोना का प्रकरण नहीं आया, पर चिंता इस बात की है कि हमारे क्षेत्र के लगभग 1200 श्रमिक पुणे में हैं, जो अभी सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ है। हमारे यहाँ के मजदूर तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ऐसे स्थानों पे है जो स्थान हॉट स्पॉट बने हुए हैं, और अब उनकी वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई है, और उनकी वापसी सुरक्षित हो, वो अपने क्वारंटाइन पीरियड को ईमानदारी से पालन करें तो हमारा क्षेत्र बच सकता है। पर मन में एक भय जरूर है कि हॉट स्पॉट से आ रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। और अंतिम आपके बारे में देखिए, जहां तक भाटापारा क्षेत्र की बात है, 15 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में मेरे क्षेत्र का सभी क्षेत्रों में विकास हो, इसके लिए मैंने प्रयास किया। आज सरकार कांग्रेस की है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि मेरे क्षेत्र की जो विकास की गति है वो किसी भी रूप में रुके ना, और इसके लिए जो भी संघर्ष की आवश्यकता होगी वो संघर्ष मैं करूंगा। कुछ योजनाएं मेरी जो 2018-19 के बजट में थी वो पेंडिंग है, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, वो काम हो। पर मैंने जो प्राथमिकता तय की कि शासन के मापदंड के अनुसार मेरे क्षेत्र में स्कूलों का उन्नयन हो जाए, उतने स्कूलों का उन्नयन हो चुका है। मेरे विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक गांव डांबरिक सड़क से माध्यम से मुख्य मार्ग से जुड़ जाए, वो हो चुका है। मेरे क्षेत्र में सिंचाई की और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो जाए तो लगभग भाटापारा शाखा नहर का 70% कार्य पूर्णता की ओर है, और 30% के लिए भी मैं लगातार लगा हूँ, और वो
रुका नहीं है, चल रहा है काम। पेयजल के लिए भी लगभग मैंने 6 साल के अंदर 50 गांव में नल जल योजनाएं स्वीकृत कराई है, और अभी केंद्र की एक बड़ी योजना आई है जल जीवन मिशन। इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी मैंने 2 बड़े प्रोजेक्ट भिजवाए हैं, जिसमें 35 गांव शामिल है जो नल जल योजना से जुड़े, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरा क्षेत्र विकास के दौर में अग्रणी हो, सब प्रकार की सुविधाएं मेरे क्षेत्रवासियों को मिल सके, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, और जहाँ संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ मैं संघर्ष करूँगा।